प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी की बात करते हैं जी, हमारे पास लैब में किस तरह से नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। यहाँ पर सारी की सारी असेंबली हमने दिखाई हुई है। क्या लिया हुआ है जी, सबसे पहले हमने पोटेशियम नाइट्रेट लिया हुआ है यहाँ पर, उसके साथ हमने ऐड किए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो बहुत ज्यादा हमारे पास जो है हम कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की यहाँ पर इस तरह से हमारे पास है कि एबिलिटी फॉरन से ये रिएक्ट करेगा, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हमने इसको लिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जैसे हमने इन दोनों को मिक्स किया और नीचे से हमने क्या दिया जी, हीट दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं हम क्या प्रोसेस यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया जी, हीटिंग का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं हीट। जैसे ही हमने हीट किया इसको तो क्या होगा, ब्राउन से फ्यूम्स हमें यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, फ्यूम्स इस तरह से वेपर्स लाइक कंडीशंस होगी यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ पर हमने जो है इसको क्या लिया है जी, ग्लास रिटोर्ट लिया है, यानी कि ग्लास की बनी हुई हमने ये एक पाइप सा इसके साथ अटैच है तकरीबन। और हम क्या ले रहे हैं, क्यों ग्लास का ले रहे हैं, बेसिकली हमारे पास नाइट्रिक एसिड जो फ्यूम फॉर्म में होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पर जो है कोई भी अगर वुड वगैरह यूज करें या कॉर्क वगैरह ऐसा यूज करें जो इसको फिक्स करे और अंदर से चीज को बाहर ना जाने दे, अगर हम वुड का यूज करेंगे तो नाइट्रिक एसिड उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए हमने सारा का सारा ग्लास का यहाँ पर मटेरियल लिया। और जैसे ही यहाँ पर फ्यूम्स पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो कोल्ड वाटर उसको जो है प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं हम ऊपर से एक टैप से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कोल्ड वाटर। यहाँ पर हम लिखते हैं कोल्ड वाटर। इससे क्या होता है जी, फॉरन से जो हमारे पास फ्यूम्स थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रिक एसिड लिक्विड फॉर्म में। ये नाइट्रिक एसिड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में बन रहा है और यहां तक फ्यूम्स जो है वो नहीं पहुंचते। यहां पर हमने वुड का जो है कॉर्क फिक्स किया होता है तो वो उसको नाइट्रिक एसिड फ्यूम्स यहां तक नहीं पहुंचते और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है जी, इसके लिए अगर हम रिएक्शन देख लें तो हमारे पास क्या होता है, हमने बेसिकली लिया है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम ले आते हैं और हमने रिएक्ट करवाया जी किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, और हीट दी है साथ में, हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। ठीक है, और उसके साथ हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन गया। अब इसकी स्टेट्स को मेंशन कर देते हैं जी, नाइट्रिक एसिड हमारे पास सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन इसमें अ लिटिल बिट अमाउंट हमारे पास वाटर की प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने AQ लिख दिया इसको। और साथ में हमारे पास ये जो बन रहा है ये भी क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमारे पास बन रहा होता है और थोड़ी सी अमाउंट वाटर की प्रेजेंट होती है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और नाइट्रिक एसिड जो है इनिशियली हमारे पास गैस फॉर्म में बनता है जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, और लास्टली हमारे पास जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कोल्ड वाटर की वजह से। यहां पर हम कोल्ड वाटर जो है उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो जो है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ पर हम देख लेते हैं जी इसकी किस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो रही होती है नाइट्रिक एसिड की। बेसिकली इसको हम सोडियम नाइट्रेट के साथ भी कर सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट यूज करें या फिर सोडियम नाइट्रेट यूज करें, एक ही हमारे पास तकरीबन ये इसकी जो है वो नेचर होती है सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की। दोनों हमारे पास जो है वो बेसिक फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, हमारे पास बेसिक मेटल्स होती हैं इसलिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ से एंटर करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने ये सारा का सारा मटेरियल जो है वो ग्लास का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कॉर्क हटाया और इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं जी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से बर्नर भी हमने जो है वो ऑन करना है। तो ये तीन प्रोसेस पहले ही हमने यहाँ पर क्या कर देने जी, स्टार्ट कर देने। अब अगेन हमने क्या किया है जी, हीट करना स्टार्ट कर दिया तो हम देख रहे हैं यहां पर वेपर्स बनना शुरू हो गए जो कि हमारे पास किसके हैं, नाइट्रिक एसिड के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, और यहां पर कॉर्क जो हमने फिट किया वो ग्लास का फिट किया ताकि हमारे पास जो वेपर फॉर्म में नाइट्रिक एसिड बन रहा है वो अगर हम यहां पर वुड का कॉर्क फिट करते तो हमारे पास उसको डिस्ट्रॉय कर देता। अब वेपर्स यहां पर जाएंगे और यहां से हम वाटर जो है वो नीचे से भी हमने दिया हुआ है, ठीक है, वाटर बाथ सामने रखा हुआ है, और ऊपर से भी यहाँ से टैप से हम कोल्ड वाटर देंगे तो हमारे सॉरी नाइट्रिक एसिड जो है वो फॉरन से लिक्विड फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं वेपर्स वहां पहुंचे, ठीक है, और ऊपर से हम क्या दे रहे हैं जी, यहाँ पर वाटर मौजूद है और साथ ही साथ हमने ऊपर से वाटर जो है वो एड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नाइट्रिक एसिड इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये पोटेशियम नाइट्रेट से भी प्रोसेस कर सकते हैं और इस तरह से सोडियम नाइट्रेट से भी प्रोसेस कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, हीट की, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा और साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेटरी।